We discussed that the chemical properties of the metals, we discussed in which we discussed the chemical properties of the water, air and water, we discussed. Now the third one is like chemical property, the metals react with the dilute acid. Reaction of the metals with dilute acid. You can see, dilute acid is a dirty metal. हमारे पास क्या है यहाँ पे आप एक मैग्नीज भी लिख सकते हो. इन सम ऑफ द बुक्स मैग्नीज वर्ड विल बी गिवन. ठीक है, दिस इज द रिएक्टिविटी सीरीज. इसमें से कैलोरी नहीं, ये जो दोनों चीजें हैं, दे विल शो द रिएक्शन विद द डाइल्यूट एसिड. ठीक है, अब यहाँ तक नीचे आते आते जब हम आते हैं तो जो एल्यूमिनियम है और मैग्नीशियम, दे विल नॉट एग्जैक्टली इमीडिएटली शो द रिएक्शन. व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, व्हाई दे आर नॉट शोइंग द रिएक्शन विद द एसिड. एक्चुअली में मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम के ऊपर एक ऑक्साइड लेयर होती है. ठीक है, मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम, या लिख लो कि एल्यूमिनियम रिएक्ट स्लोली, एल्यूमिनियम स्लोली रिएक्ट विद एसिड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ऑक्साइड लेयर ऑन इट. ठीक है, इसके ऊपर ऑक्साइड की लेयर होती है. एट दैट टाइम इट विल नॉट शो द रिएक्शन. एज सून एज व्हेन वी विल डिप और व्हेन वी विल कीप द एल्युमिनियम इन एन एसिड, इन थोड़ी देर के बाद द ऑक्साइड लेयर विल बी रिमूव. एट दैट टाइम इट शोज द विक्रियसली रिएक्शन विद द एसिड. मतलब इट शोज द रिएक्शन विद द एसिड, इट विल फॉर्म द एल्युमिनियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस. इज माय पॉइंट क्लियर? कि एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम यहाँ तक आते आते दे फॉर्म अ ऑक्साइड लेयर ऑन इट. ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द ऑक्साइड लेयर दे विल नॉट शो द रिएक्शन. ठीक है जी, उसके बाद आ जाओ एक और पॉइंट लिखना है. नाइट्रिक एसिड मेटल्स, व्हेन मेटल्स रिएक्ट विद द नाइट्रिक एसिड दे विल नॉट इवॉल्व हाइड्रोजन गैस. यहाँ पे लिखो रिएक्शन ऑफ मेटल्स, इसको साथ लगाओ विद कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, नो हाइड्रोजन गैस विल बी इवॉल्व. ये क्वेश्चन आता होता है. नो हाइड्रोजन गैस इज रिलीज, अदरवाइज हम क्या कह रहे हैं कि व्हेन मेटल्स रिएक्ट विद एन एसिड इट प्रोड्यूसेस द हाइड्रोजन गैस. But when metals react with the nitric acid, concentrated nitric acid, it will not evolve the hydrogen gas. Reason likho iska. As soon as the hydrogen yahan pe banti hai na, when metals react karte hain nitric acid ke sath, as soon as hydrogen form, it of matlab jo nitric acid hai, it is a strong oxidizing agent. What is oxidizing agent? Humne kya kara tha? कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. हमने करा था एओरेइन, यहाँ ऑक्सीडेशन है तो ये रिड्यूसिंग एजेंट था. तो एएच दिस इज ऑक्सीडाइजिंग, दैट मींस एडिशन ऑफ हाइड्रोजन. कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इट हेल्प्स टू कन्वर्ट हाइड्रोजन गैस इनटू वाटर. ये वाटर में कन्वर्ट कर देता है हाइड्रोजन गैस को और इट सेल्फ रिड्यूस टू द नाइट्रोजन ऑक्साइड. इट इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इट कन्वर्ट्स हाइड्रोजन टू वाटर, या इट फॉर्म्स हाइड्रोजन टू वाटर. एज सून एज द हाइड्रोजन गैस रिलीज, इट इज कन्वर्टेड टू वाटर एंड नाइट्रिक एसिड इट सेल्फ रिड्यूस टू फॉर्म तीनों प्रोडक्ट बना देते हैं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, डाइनाइट्रोजन मोनोऑक्साइड
एनहाइड्रोजन मोनोऑक्साइड, ये तीन प्रोडक्ट्स बन जाते हैं। वो खुद को भी रिड्यूस कर लेता है और हाइड्रोजन को वाटर में कन्वर्ट कर देता है। दैट्स व्हाई कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ मोस्ट प्रोबेबली हाइड्रोजन गैस नहीं निकलती, बट देयर इज एन एक्सेप्शन। ठीक है, ऑल्दो इट्स नॉट गिवन इन योर बुक, बट आई एम स्टडिंग इट हैज सम एक्सेप्शन। दो एटम्स के बीच में मैग्नीशियम एंड कैडमियम, ये दो इसके साथ रिएक्शन शो करते हैं एंड फॉर्म मैग्नीशियम नाइट्रेट। ये दोनों रिएक्शन शो करते हैं, एक्सेप्शन है, जैसे हम वाक्यों में एक्सेप्शन करते हैं, ये करते हैं, ये रिड्यूस में होते हैं। ओके है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद है रिएक्शन आपकी, ये होगी मेटल विद सॉल्ट सॉल्यूशन, हो गया मेटल विद ये एसिड के साथ हमने कर लिया। एक कप पानी करो एक्वा रिजिया, व्हाट इज एक्वा रिजिया, यू ऑलरेडी हैड डन इन द जूनियर क्लास आल्सो, व्हाट इज एक्वा रिजिया, क्या है एक्वा रिजिया? फ्रेशली प्रिपेयर्ड सॉल्यूशन ऑफ कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड का ही है हाइड्रोक्लोरिक, क्योंकि ये कम रेशियो में होगा, ये ज्यादा में, एंड इट इज यूज्ड टू डिसॉल्व ऑल मेटल्स। राइट डाउन, इट इज यूज्ड टू डिसॉल्व मेटल्स, इट इज यूज्ड टू डिसॉल्व मेटल्स, ये सारे मेटल्स को डिसॉल्व करने में हेल्प करता है। दैट्स व्हाई जो गोल्ड्स मिक्स होते हैं, जब भी हम उसके पास वॉशिंग के लिए कोई बैंगल्स या कुछ लेके जाएंगे, आफ्टर दैट वन बैंगल्स का जो गोल्ड है वो थोड़ा थोड़ा कम हो जाता है। आपने सुना होगा कि जब भी जाते हैं थोड़ा कम हो जाता है, ठीक है, क्यों हो जाता है? व्हेन दे आर डिसॉल्विंग इन द एक्वा रिजिया क्लीनिंग पर्पस के लिए, तो ऊपर से गोल्ड उठा जाता है क्योंकि डिसॉल्व हो जाता है, एंड देन दे कैन एक्सटेंड। जब क्लियर रेशियो याद रखेंगे, इसमें कुछ ठीक है। रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल की मैं डेफिनेशन बता चुकी हूँ, द अरेंजमेंट ऑफ द मेटल्स ऑन द बेसिस ऑफ द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर, ठीक है, और दैट वी ऑलरेडी डिस्कस। उसके बाद आप करो एक्वा रिजिया हो गया, रिएक्टिविटी सीरीज हो गई। नाउ अगली रिएक्शन आपने नहीं करनी क्योंकि है नहीं बुक में, अदरवाइज रिएक्शन विद द, नहीं एक है रिएक्शन विद द सॉल्ट सॉल्यूशन मेटल्स सॉल्ट सॉल्यूशन। तो ये रिएक्शन आप लोगों को आती है बिकॉज ऑलरेडी आप कर चुके हो कि जिंक सल्फेट प्लस आयरन, बट इट विल हैपन आयरन सल्फेट प्लस कॉपर, सॉरी जिंक या जिंक कॉपर ले लो, ठीक है। अब इसके क्या है, आयरन इज हियर एंड कॉपर इज हियर, विच वन इज मोर रिएक्टिव? आयरन, आयरन विल डिस्प्लेस द कॉपर फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन, ठीक है। अगर मैं यहां पर बोलूं ये नाउ व्हाट विल हैपन, यही रहेगा, नो रिएक्शन टेक्स प्लेस बिकॉज कॉपर इज लेस रिएक्टिव बिटवीन द जॉइंट, सो यू हैव टू सी दिस इज बेस्ड ऑन द रिएक्टिविटी थ्योरी, ठीक है जी। उसके बाद करिए रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स, अब अगला लिखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। क्या है रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विथ एयर, ये आप लोगों को पता
हाइड्रोजन नाइट्रोजन ये हमारे पास क्या है नॉन मेटल, ठीक है, कार्बन हाइड्रोजन। अब मैंने कार्बन की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ की, फॉर्म था CO2, राइट। सल्फर की रिएक्शन मैंने ऑक्सीजन के साथ की, फॉर्म SO2। नाइट्रोजन की रिएक्शन मैंने ऑक्सीजन के साथ की, फॉर्म नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। नाउ व्हाट इज द नेचर ऑफ दिस, इसकी नेचर क्या है? जैसे वो बेसिक करा था BMO, नाउ व्हाट इज दिस एसिडिक, बट हाउ कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट विद द वाटर, इट विल फॉर्म H2CO3। सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्ट विद द वाटर फॉर्म H2SO3, दैट इज सल्फ्यूरस एसिड। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड विद वाटर, इट विल फॉर्म HNO3, दैट इज नाइट्रिक एसिड। That means, हर बार हमारे पास क्या बन रहा है एसिड, ठीक है। When we will take the acid in a china dish or plate में लेके and dip the red and the blue litmus, so what it will do? Change blue litmus to red. That shows that the non-metallic oxides are acidic in nature. मैंने वैसे भी आपको बताया था कि BMO कर लो उस केस में, मैं basic in nature metallic oxide वो याद कर लो, तो दूसरा क्या है एसिडिक। इसके लिए आपकी बुक में एक एक्टिविटी गिवन है सल्फर की, बट दे हैव डन, दे हैव टेकन अ जार इन दिस, दे पुट अ डीप प्लग रेटिंग स्पून, डीप प्लग रेटिंग स्पून जिसको नीचे से हम चम्मच बना लेते हैं, ठीक है। डीप प्लग रेटिंग स्पून में इन्होंने सल्फर रखा, सल्फर को हीट करके इसके अंदर डाल, जब इसको डाला तो यहाँ से क्या निकलेगी, सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। As soon as the sulfur dioxide release, after that we will remove the deep pregnating spoon and add some water. यहाँ पे पहले क्या था, सल्फर डाइऑक्साइड deep pregnating spoon निकाल दिया, ये दोनों रिएक्ट करेंगे and what it will form H2SO3, then they will pour it on the plate, petri dish, and start to find out with the help of the litmus paper. Then they will find out it turns the blue litmus to red. That means it is acidic in nature. Is it clear, Bittain? Right. Now the second one is with water. यहाँ लिख लो no reaction. With acids, no reaction. ठीक है जी, with water no reaction, with acid no reaction, with oxygen already acid rate के concept में भी you know carbon, oxygen, nitrogen, sulfur यही release होते हैं produce, ठीक है। अब यहाँ पे ये हो गया third treatment with salt, salt solution. अब विद सॉल्ट सॉल्यूशन के लिए जैसे जल्दी नहीं कैल्शियम करा था, यहाँ करो फिर कल बाहर आई आत्मा, ठीक है। दिस इज अगेन लाइक दिस, फिर कल बाहर आई आत्मा, दैट इज क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एसेटाइल, इसका नाम है एसेटाइल, ठीक है। लिखने की जरूरत नहीं है, रहने तो चाहे, राइट। अब यहाँ पे मैंने लिया, now what will happen, which is more reactive, this, ये यहाँ से reactive है, ये इसको displace कर देगा and it will form देखिए जी, this is the reaction of the metals with the salt solution, non-metals with the salt solution, okay। उसके बाद हमारे पास है ला, इसका next topic क्यों है, that is the ionic bond, ठीक है जी, ionic bond। I know मैं थोड़ा जल्दी करवा रही हूँ, but don't get, मैं दोबारा और मुद्दे फिर करवा रही हूँ। Ionic bond, ionic bond क्या है? मैं इसको बहुत डिटेल में नहीं करवा रही, we will discuss it on Monday. I'm just explaining ions क्या होते हैं। We are having the two ions, positive and the negative ions. How positive ions will be formed when they are losing electrons? They acquire the positive charge.
when they are gaining electrons, they acquire the negative charge. That you already done. ठीक है, first 20 elements आपको पता है, right? अब ionic bond का मतलब क्या है? Actually में bonds हमारे पास होते हैं, but we will discuss in this chapter, we will discuss ionic bond. Carbon compound में we will discuss the covalent bond. ठीक है, ionic bond का मतलब होता है transferring of the electron. ठीक है, covalent bond का मतलब होता है sharing of electron. अब इसमें हमारे पास आता होता है कि formation of sodium chloride. They will say formation of sodium chloride. अब आपको लगेगा कि यहाँ पे क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं? तो when you will see your assignment, in that assignment I had given the atomic numbers, electronic configuration, and asked the question कि what it will be formed. So you have to be see when you will मतलब कि concept will be clear to you. ठीक है? Sodium symbol is Na, Cl, 11 atomic number, 17. 2, 8, 1, 2, 8, 7. अगर इस रूम में बच्चे कम है, ठीक है, दूसरा रूम भरा हुआ, उसमें एक दो सीट वेकेंट है, बट आई विल डू शिफ्ट टू यूर्स. ठीक है, दैट मीन्स ये भी प्रॉपर रूम का काम हो रहा है एंड ये भी हो रहा है ना. अब इसी तरह से Na के पास इट इज हैविंग अ वन वैलेंस इलेक्ट्रॉन. वी विल शो विद द हेल्प ऑफ डॉट्स एज वेल एज क्रॉस. मैं अलग अलग इसलिए लेती हूँ सो दैट इजीली रिकॉग्नाइज हो. अब इसने इसको एक इलेक्ट्रॉन दे दी, यहां नहीं बनाना. ठीक है, कितने लिए इसने? ठीक है, क्लोरीन में कितने लिए? ठीक है, बट द फॉर्मूला विल बिकम. ठीक है, अब यहां पे मैं बना रही हूँ मैग्नीशियम क्लोराइड. MgOCl लिया मैंने. ठीक है, अब मैं यहाँ पे 12, 17, 2, 8, 2. Mg के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? क्लोरीन को कितने चाहिए? 1. अब वो कहता है कि I will not give you, आप अपना एक और पार्टनर ले आओ सो दैट मैं भी रिलैक्स हूँ, क्योंकि आई एम हैविंग द टू. I don't want to give one और फिर वैसे ही हो जाओ. तो ये क्या करता है? दो क्लोरीन पार्टिसिपेट करता है. ठीक है, एक इसको दे देता है और एक इसको दे. Mg ने कितने यूज किए? क्लोरीन ने कितने लिए? 1. लिए कितने? 1. कितने क्लोरीन ने? यहाँ नहीं तो आना, तू यहाँ आएगा क्योंकि पार्टिसिपेट दो क्लोरीन ने कर. तो यहाँ पे वैलेंसी इसकी, इसके पैर में इसकी MgCl2. ठीक है, ये बन जाएगा MgCl. एक और करके दिखाती हूँ. तो ऑब्जेक्टिव में मैं आपको क्या बोल रही हूँ? सीधा असाइनमेंट इन ऑब्जेक्टिव आई आस्क, आई गेव यू द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन एंड आस्क व्हिच वन इज फॉर्मिंग लाइक दिस. यू हैव टू आइडेंटिफाई, वो तभी पॉसिबल है. मैं आई कैन आस्क द एटम्स कितने पार्टिसिपेट कर रहे हैं, क्या फॉर्मूला बन रहा है, हाउ मेनी आयंस दे आर रिलीजिंग, हाउ मेनी आयंस दे आर गेनिंग. ठीक है, अगर मान लो मैंने यहाँ बनाना है सोडियम ऑक्साइड. वो तभी होगा ना अगर आपको आता होगा 2, 8, 1, 2, 6. सोडियम के पास कितने वैलेंस है? 1. ऑक्सीजन के पास 2 चाहिए. ठीक है, अब इसके पास कहता है आई विल मेक द फॉर्म व्हेन यू विल ब्रिंग योर टू फ्रेंड्स. अब Na 2 ले आएगा, इट विल गिव एंड इट विल फॉर्म Na. कितने इलेक्ट्रॉन लूज किए उसने? 1. कितनों ने किए? ठीक है, ऑक्सीजन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 टू इलेक्ट्रॉन लिए. तो फार्मूला विल बिकम Na2O. ये इसके पैर में आ जाएगा, ये
क्लियर है, इसके प्रॉपर्टीज हैं आयोनिक बॉन्ड, वो चार प्रॉपर्टीज हैं, चारों पे क्वेश्चंस होते हैं, मैं अभी सिंपली समझा देती हूँ, मत लिखो, वी विल डू इट वन मंडे, आई एम जस्ट टेलिंग फोर प्रॉपर्टीज हैं, आयोनिक बॉन्ड्स आर सॉलिड इन स्ट्रक्चर, ये सारे सॉलिड्स होते हैं, क्या मतलब है सॉलिड का, सोडियम क्लोराइड सॉलिड क्रिस्टल स्ट्रक्चर होते हैं, क्रिस्टल होते हैं, तो जितनी भी आयोनिक बॉन्ड फॉर्मेशन होती है दीज आर हैविंग अ सॉलिड क्रिस्टल स्ट्रक्चर, क्यों हम इनको सॉलिड क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर बोलते हैं, बिकॉज ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दे अटैच, ठीक है, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द आयंस, दैट्स व्हाई इट्स अ सॉलिड क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर. अब NaCl, आई एम गिविंग यू वन एग्जांपल, तो NaCl पानी में डिसॉल्व होता है, यस, दैट मींस सेकंड प्रॉपर्टी क्या हो गई कि दीज कैन बी डिसॉल्व इन वाटर बट इनसॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स. इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स क्या होता है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स क्या होता है, एल्कोहल, ग्लूकोज, जिसके बीच में कार्बन और हाइड्रोजन दोनों, वह उन चीजों के बीच में ये वाले जो है वो डिसॉल्व नहीं करते, तो क्या प्रॉपर्टी होगी सेकेंड कि जो है आयनिक कंपाउंड्स दीज आर सोल्यूबल इन वॉटर बट इनसोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लाइक एल्कोहल, बेंजीन, ग्लूकोज, उनमें नहीं करते. थर्ड प्रॉपर्टी हम कह रहे हैं कि सॉलिड क्रिस्टल स्ट्रक्चर, यानी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज स्ट्रॉन्ग, दैट मींस जो इसकी थर्ड प्रॉपर्टी हो गई कि दे कैन सॉलिड इन स्ट्रक्चर, क्रिस्टलाइन सॉलिड डिसॉल्व. अगले करो कि दे कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, कैसे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, बिकॉज दीज आर मेड विद द हेल्प ऑफ आयंस, व्हेन वी विल डिसॉल्व इन वाटर रिलीजेस ऑफ आयंस विल बी देयर. And with the help of free ions, conduction of electricity is possible. Yeah. Next है high melting and boiling point. Naturally, crystalline structure of force of attraction is more heat energy is required to break the bond. So these are having the high melting and boiling point. चार properties करी. पहली, it is a crystalline solid structure. Example of the magnesium sodium chloride. तो उसकी दूसरी प्रॉपर्टी में ही से आ जाएगी, इट इज सोल्यूबल इन वॉटर बट इनसोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट. थर्ड, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स है बिकॉज ऑफ द ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, सो मोर एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड, सो दीज आर हैविंग द हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग. फोर्थ, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ आयंस व्हेन डिसॉल्व इन वॉटर इट रिलीजेस इट्स आयंस, फ्री इट्स आयंस एंड दैट्स व्हाई कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज पॉसिबल. ओके बच्चे, किसी को अगर डाउट है